पटियाला का गुरु नानक पूरा जो कि मशहूर है अपने बेहतरीन खानों की वजह से। ये आप क्या कर रहे हैं ऊपर? 70 साल पुराना है ये रेसिपी आपके दादा अबू से? मगज है। ओके प्यारा है, पी लो। ये कितना बकरा रोज यूज करते हैं? मटन बकरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए गुरु नानकपुरा गुजरावाला। गुजरावाला का गुरु नानकपुरा जो कि मशहूर है अपने बेहतरीन खानों की वजह से, और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या खाना मिल रहा है। क्या मिलेगा यहाँ पे? हरीसा मिलता है, पाए मिलते हैं, निहारी, हलवा पूरी वगैरह। अब आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ मिलते पाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दे रहे जामुन? 300 रुपए किलो। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे हैं। ये कहाँ के हैं? फैसलाबाद के। और ये? ये सवाद के। ये सवाद के हैं? कैसे दे रहे? 300 रुपए। ओहो अंकल, आपकी हेलमेट कहाँ है? चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ नान कैसे बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे नान कैसे बनता है? नान मैदे के बनते हैं। नहीं, मशीन में बनाते हैं। यार बंदे के बगैर भी नान बनने लग गए, पता है? ये इनका मशीन है जहाँ से नान बनकर आता है। अगर आपको चूल्हा नजर आ रहा है, वहाँ से पक्कर आएगा। आपके दिन में सारे नान खत्म हो जाते हैं? नान नान को आप भजा के गर्म करके खाएंगे ना, कमाल का टेस्ट आता है, बहुत मजा। हाँ ये आप क्या कर रहे हैं ऊपर? तिल का असली की है, तवे पे गरम करके और भी मसालेदार हो जाता है। आपका ब्रश भी बहुत प्यारा है। कितने हो गए? थैंक यू, शुक्रिया। अब ओके लेट्स गो। दुकान है सत्तर साल पुराना है ये रेसिपी आपके दादा अबू से? पूरे दिन में बिक जाता है या आप नेक्स्ट डे भी बेचते हैं? फजर के बाद हाँ। और गुजरा वाला के बहुत मशहूर और मजेदार पूरे पाकिस्तान में सबसे मशहूर। तो गुजरा वाले क्यों खाते हैं ये इतना पाया? पहलवानों का शहर। मगज है। ओके प्यारा है। ये चाटी की लस्सी है। किसकी है? ये नमकीन है। हम आपको दिखा रहे हैं चाटी की नमकीन लस्सी। ये कैसे दिखाऊं, नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्यों क्यों मशहूर है, इसका क्या खास बात है? क्या इसका क्या खास बात है, ये क्यों मशहूर है? नहीं, इसका बनाने का तरीका कुछ अलग है। हाँ शुक्रिया। ओके बड़ा मजे का है। आपकी दुकान के नाम? मैर बिन शाह। हाँ, वो जो मैदे में एसी लगता है ना, वो लगा है सच में। ये मशीन है आपका? आप क्या क्या डाल रहे हैं वो भी बता दें। हाँ ये सही मलाई वाला। और बहुत सारा बर्फ भी है।
ये आपने क्या ऐड किया है? ओके इनका स्पेशल मशीन है और ये नेक्स्ट डे का ये इतना सारा इन्होंने सुबह से खाली कर लिया है। वाओ शुक्रिया चन्नी मुर्ग स्पेशल आपने हलवा पूरी बनाना किससे सीखा है? आप नहीं बताएंगे? अरे ये सो डेंजरस। हरीसा क्या एक प्लेट कितने का है? 650। ओके ये इनका टॉपिंग है। ये क्या है? देसी देसी मुर्गी। ये देसी मुर्गी है और ये क्या कर रहा है? ये हरीसा है। ओके इसको कैसे बनाते हैं? मटन और गंदम और गंदम इसके अंदर और कुछ स्पेशल मसाला होता है जो इतना फेमस है? ये काली मिर्च। काली मिर्ची का मसाला होता है। रोज आप फ्रेश बनाते हैं? कितना कितना बकरा रोज यूज करते हैं? मटन बकरा होता है ना? बहुत अच्छा है ये हरीसा। हेल्दी होता है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुजरावाला में कुछ जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू बनाते हैं लोग। अरे मैं आपको इससे मिलाती हूँ जो बना रहे हैं आज। क्या मसाला लगाया आपने इस पे? घर वाला क्या मसाला है? इसका नाम क्या है ये जो बना रहे हैं? ये चांपे है। अगर आपको इस तरह के व्लॉग पसंद है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं ताकि मैं और ऐसी जगह एक्सप्लोर करके आपके लिए वीडियो बनाऊं। मेरे तरफ से गुजरावाला का खाना पीने का स्टोरी खत्म हो गया है। नाश्ता भी मैंने आपको दिखाया और ये बारबेक्यू भी। जाने का 50 रुपए किराया है। 50 रुपए किराया जी जाना नहीं, नहीं, नहीं शुक्रिया। आज की कहानी यहीं तक। मैं अब चलती हूँ। आप भी कोई जरा जरूरी काम कर लें। ओके अल्लाह हाफिज़।